नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के प्रमुख बाजार सिल्पी प्लाजा और आसपास एनएसयूआई ने कटोरा लेकर मांगी भी। युवाओं का कहना, सरकार ने हमें पकौड़ा तलने लायक भी नहीं छोड़ा। एनएसयूआई के युवाओं ने रीवा के शिल्पी बाजार में कटोरा लेकर मांगी भी, कहा पकौड़ा तलने लायक भी नहीं छोड़ा इस सरकार ने। हमारे पास काम धंधे का अभाव, महंगाई सर चढ़कर बोल रही सरकार का ध्यान इस ओर नहीं, युवाओं के पास कोई काम धंधा नहीं। पहले कहा था सरकार ने पकौड़ा तलना भी एक व्यवसाय है, लेकिन आज के हालात में सरकार ने हमको पकौड़ा तलने लायक भी नहीं छोड़ा। हमारे पास ना कोई काम, ना धंधा, ना ही पैसे जिससे हम अपना कोई रोजगार खड़ा कर सकें। हमारे पास अंतिम विकल्प बढ़ती महंगाई को लेकर हम कटोरा खरीदें और बाजार में जाकर भीख मांगें, जो आज हम कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान युवा अब कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर है। रीवा की गलियों में प्रमुख बाजार शिल्पी प्लाजा में एनएसयूआई के साथ सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों ने रीवा जिले के मुख्य बाजारों में कटोरा लेकर मांगी थी। महंगाई बेरोजगारी का विरोध करते युवाओं ने कहा, पढ़े लिखे बेरोजगार आज भीख मांगने को मजबूर है, बेरोजगारों को सिर्फ छला जा रहा, मामा के राज में कटोरा दे दिया हाथ में। बेरोजगारों ने कहा, अब हम पकौड़ा बेचने लायक भी नहीं बचे, क्योंकि तेल और सिलेंडर की कीमत बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, छात्रों ने किस तरीके से विरोध किया। आज हम लोग पढ़े लिखे छात्र युवा हाथ में कटोरा लेके शिवराज सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम बेरोजगारों को छला जा रहा है कि मामा तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युवा बेरोजगार पकौड़े बेचें, जो कि अब हम पकौड़े बेचने लायक भी नहीं बचे हैं। नए वर्ष में ही कमर्शियल सिलेंडर के 75 रुपये 25 रुपये दाम बढ़ा दिए गए, बढ़ते हुए तेलों के दाम अब हमें पकौड़े बेचने लायक भी नहीं छोड़ा है, और रोजगार तो हमें सरकार दे नहीं रही है, सिर्फ छलने का काम कर रही है। चाहे वो फॉर्म के नाम पर हम लोगों से फीस जमा करवा ली जाती है कि आप नियुक्तियाँ निकाले हैं, उसके बाद या तो एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया जाता है या फिर उसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो अब हम लोगों के पास सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। तो हम मामा को दिखाना चाहते हैं कि आप देख लीजिए आपके राज्य में किस तरह के युवा पढ़े लिखे छात्र कटोरा लेके मार्केट में भीख मांग रहे हैं, और व्यापारी भाई भी हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह व्यापारी हम लोगों को भीख दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पूरे रीवा में ही हम कहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि रीवा में ही कोई बेरोजगार का साधन नहीं है, सिर्फ मॉल और फ्लाईओवर दिख रहे हैं, एक भी कोई ऐसा बेरोजगार का साधन नहीं है। एकमात्र है सोलर प्लांट, तो वहाँ के विधायक जी खुद ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से अपना दुखड़ा रो चुके हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या उपेक्षा करें कि जब बीजेपी के खुद ही विधायक रो रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो हमें रोजगार दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, 4-5 दुकानों में गए और सभी दुकानदारों ने हम लोगों को, ये देख लीजिए कि सब लोगों को भीख दी, अच्छा सहयोग दिया। रवि सुमित सिंह, जिला उपाध्यक्ष एनएसयूआई।